हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल में एक बार फिर से। तो आज मैं फिर से लाई हूँ आपके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट सा वीडियो, जो कि आई थिंक मैक्सिमम जो लोग 30 से ऊपर हैं उन सबकी ही प्रॉब्लम होगी। तो आज हम बात करेंगे फ्रेंड्स डायबिटीज़ के बारे में, जिसे हम मधुमेह या शुगर भी बोलते हैं। तो ये जो डायबिटीज़ है, मधुमेह है कि बीमारी, आजकल इससे सब लोग बहुत परेशान हैं, क्योंकि ये हमारे लाइफस्टाइल के ऊपर डिपेंड करती है। आजकल जो हमारा लाइफस्टाइल है वो पुराने टाइम से बहुत ज़्यादा ही चेंज हो गया है। ये एक लाइफस्टाइल की ही बीमारी है, लाइफस्टाइल की ही ये डिज़ीज़ है, जिसे हम लोगों ने पुराने ज़माने से बिल्कुल ही चेंज कर लिया है। आजकल इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं, मशीनें हैं, जिनसे हम बिल्कुल भी काम नहीं करते हैं, बॉडी को हिलाते नहीं हैं, बस थोड़ा सा काम करके थक जाते हैं और बैठ जाते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, अगर हमने फिट रहना है तो हमें सुबह जल्दी उठ के ब्रेकफास्ट जल्दी लेना चाहिए। आजकल लोग ब्रेकफास्ट बहुत ज़्यादा लेट करते हैं, इतना टाइम सुबह उठ के खाली पेट नहीं रहना चाहिए। ब्रेकफास्ट जल्दी लेना चाहिए और ब्रेकफास्ट हेल्दी होना चाहिए, जिसमें कि प्रोटीन ज़्यादा हो। जैसे हम स्प्राउट्स वगैरह ले सकते हैं, मिल्क ले सकते हैं, फ्रूट्स ले सकते हैं। तो आजकल के लाइफस्टाइल में हम ज़्यादा ब्रेड, पिज़्ज़ा, ठीक है, ये सब चीज़ें ले रहे हैं ब्रेकफास्ट में, तो ज़्यादा प्रोटीन वाली चीज़ें हमने लेनी है। तो चलिए आज मैं आपको एक काढ़ा बताऊंगी कि आपने उसको कैसे बनाना है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये डेली आपने खाली पेट लेना है, जिनको शुगर की, डायबिटीज़ की, मधुमेह की प्रॉब्लम है। तो इससे पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपने आंवला लेना है। आंवले को आपने ग्रेट करके एक पानी के एक गिलास को गैस पे चढ़ाना है। उसमें आपने आंवला पाउडर को गरम करना है, आंवला पाउडर उसमें डाल के। देन उसमें आपने जिंजर ऐड करना है, अदरक जिसे हम बोलते हैं उसे भी हमने ग्रेट करके ही ऐड करना है। पानी में हमने एक बाउल में पानी लेना है, उसमें आंवला को ग्रेट करके और जिंजर को ग्रेट करके। देन उसमें पुदीने के कुछ पत्ते डालने हैं। उसके बाद हमने मेथी दाना का एक चम्मच उसमें ऐड करना है। अगर आप लोगों को ये बिना मीठे के पसंद नहीं है तो आप इसमें थोड़ा सा हनी ऐड कर सकते हो, ताकि इसमें मीठा रहे। इन सबको छान के हमने काढ़ा बना लेना है और ये काढ़ा डेली ही हमने खाली पेट पीना है। इससे आपकी जो शुगर लेवल है वो कंट्रोल होगा, और जिन लोगों को शुगर नहीं है वो भी इस काढ़े को ले सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा हेल्दी है। आंवले में विटामिन सी होता है, जो कि शरीर में इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, हमने क्या करना है, दूसरा मैं उपाय आपको बताऊंगी कि आपने उस पत्ते को पैर पे लगाना है। ये है आग का पत्ता, आग के पत्ते जिसे हम अर्क बोलते हैं, ठीक है। तो ये पत्ता हमें आम मिल जाता है ऐसे किसी भी खाली प्लॉट में लगा हुआ या पानी के पास। आग का पत्ता है ये, मिल जाता है। आग बोल रही हूँ मैं, आ बड़ा का आग, आग का पत्ता है ये। ये जो है आपने रात को सोने से पहले इस पत्ते को अपने पैर पे बांध लेना है, इसकी चिकनी साइड को पैर पे बांध के रखना है। तो देन इसको सुबह उठते ही आपने इस पत्ते को रिमूव कर देना है। तो फ्रेंड्स, आज मैंने आपको दो रेमेडीज़ बताई हैं। सबसे पहले मैंने आपको एक काढ़ा बताया है, जिसको आपने बनाना है पानी को बॉयल करके, उसमें आंवला ग्रेट करके डालना है, आंवला कद्दूकस करके। देन उसमें आपने अदरक कद्दूकस करके डालना है, पुदीने के पत्ते और मेथी दाना डालना है, और उस काढ़े को आप